इस साल सावन महीने के आखिरी दिनों में अच्छी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि बुधवार को कई जगह स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला। कवर्धा में नाले में डूबने से एक बुजुर्ग और 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ के बगमरा गांव में भी 3 लोग नाले में बह गए, जिनमें से 2 तैरकर बाहर आ गए, वहीं एक युवक का पता नहीं चल पाया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार कवर्धा के बोडला थाना अंतर्गत ग्राम अमली टोला सड़क के किनारे नाले में बह जाने से सादा नगर वार्ड 14 निवासी महत्तर निर्मलकर उम्र 70 साल की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पंडरिया ब्लॉक के कुकदूर थाना क्षेत्र की है। यहाँ के ग्राम पुटपुटा के दमगढ़ नाले में ग्राम आमा टोला निवासी ज्ञान सिंह बैगा की 2 वर्षीय बेटी देवी नाम बाई बैगा की मौत हो गई। अब बता दें, इस साल प्रदेश में नदी नालों में आए बाढ़ की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।